राम राम सामान थरदेसी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो जलको चूरू। आज अपन अलग टॉपिक लेके आए हैं कि योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, और ये योजना के बारे में अपन बातचीत करांगा, जानने की कोशिश करांगा कि इसमें कौन कौन पात्र है, कैन कैन असुविधा मिल सके और क्या असुविधा मिल सके। साथ साथ आपने चैनल पर नया होते हैं सब्सक्राइब भी कर लियो और साथ ही साथ बेल भी दबा लियो, बेल इसलिए जरूरी है ताकि आगे जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन अपन मिलता रहे और जल्दी सी वीडियो कहीं पहचान हो सके। एक खास बात आप भी बता दूंगा, अपना जगह वीडियो है वह पहली यूट्यूब पर आवे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है इनके बारे में कुछ खास बात है वह भी आप कराँगा, और आ योजना बाकी जिकी स्वास्थ्य योजनाओं में बेहतर है जिकी क्यों है यह भी बात करा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है वह कोविड के उपचार में आम आदमी है बन रात देन खातर है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संबंध में अस्पताल है जिसको कोविड 19 का उपचार खातर बनाया गया, दो पैकेज के स्थान पर अब तीन पैकेज है वे लागू करीज गया है मैंने। मुख्यमंत्री मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी श्रीमती अरुण राजौरिया बताया है कि वर्तमान में योजना के संबंध में और कोविड 19 के उपचार खातर पैकेजेज की दर है जी की 2000 लेगी 4000 रुपया प्रतिदिन निर्धारित है वा करीज की है, लेकिन अब योजना में तीन नवीन पैकेजेज है जिसका सम्मिलित है वह कर दिया गया है। वास्तव में प्रत्येक परिवार में है जिसको 5 लाख रुपया तक को केस इलाज की सुविधा है जिसकी योजना द्वारा मिलेगी। आवेदन करने खातर है जन आधार नंबर होना जरूरी है या जन आधार पंजीयन की जी रसीद है बा, यदि कहेंगे जन आधार अभी तक नहीं आए तो भाई रसीद है बा भी काम एक महीने चला देगी। सर्वप्रथम है जो जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य है, जिसको व्यक्ति जन आधार नहीं बनाए तो नज़दीकी आपके ई मित्र पर जागे है जिसको मना सके। 1 अप्रैल लेकर 10 अप्रैल तक है ग्रामीण स्तर पर एवं पंजीकरण का विशेष शिविर भी है जिसका आयोजित होया है, और अभी तिथि है जिसकी 31 मई तक बढ़ाई दी गई है। लाभार्थी एंगो योजना का लाभ है वो 1 मई बाद में है जी का ले सके है। तो एंग मैंने आवेदन है जी को आप क्या कर सका, हाँ फार्म क्या भर सका, इसमें पहली बात चर्चा आप कराँगा। आवेदन भरण खातर है ई मित्र पर आप जाके संपर्क कर सका हाँ, या SSO पोर्टल की भी सहायता ले सका, या वह आवेदन है जी को कर सका हाँ। एंग बाद में NFSA परिवार है बन जन आधार कार्ड राशन कार्ड ई मित्र जोड़ो जोड़ के अपडेट है जिसको करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं साथ ही साथ के सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल परिवार है बा ई मित्र में SECC की जिकी सीडिंग है बा करवानी बने पड़ेगी। इसके अलावा अतिरिक्त तो सभी वर्ग वे ई मित्रों आवेदन कर सके है। जो व्यक्ति है जिका ने कणक है जिकी मिले या खाद्य सुरक्षा में जिका नाम जुड़ेड़ो है वह व्यक्ति यानी कोई आवेदन है जिसको कराने की जरूरत नहीं, बंग ऑटोमेटिक आवेदन है जिसको हो गया है। बंग अलावा जितना भी व्यक्ति बच गया वह यदि आवेदन करना चाहे तो 850 रुपये ही है जिकी बंगे लागत रहेगी। वह बाद में इस विद्या गो निजी और सरकारी हॉस्पिटल है जिका मैंने फायदो है वो ले इसका प्रत्येक वर्ष है बाद में नवीनीकरण है जो क्या हो गई आप बात कर लें, प्रत्येक वर्ष है नवीनीकरण है वो विभाग आप ही आप कर ले वो, लेकिन जन आधारधारी परिवार है या नवीनीकरण जिको 850 रुपये पहले खर्चा लग रहा है दोबारा प्रीमियम भुगतान है जिको ई मित्र पर करवाऊंगा तभी वहाँ नवीनीकरण है जिको होगो। बाद में पात्र है जिका कौन कौन है योजना के खतरे बंग आप बात कर लिया, तो सगला जिका NFSA का जिका लाभार्थी परिवार है बने एवं मिले। इन अलावा सामाजिक आर्थिक जनगणना 2000 जिका 11 में सम्मिलित परिवार है बने समस्त विभागों का जिका संविदा कर्मी है बन ऑटोमेटिक एवं लाभ है जिको मिल जाओ, लघु और सीमंत किसान है बन भी लाभ मिलेगो। इन अलावा अतिरिक्त जिका जन आधार कार्ड ही परिवार है बन है जी को 850 रुपये प्रीमियम है वो दे के भुगतान है जी को करणो एंगो पड़ेगो। मैं है वो राजस्थान जी का भी राजस्थान का लोग है, राजस्थान सरकार द्वारा 1 वर्ष के अंदर 5 लाख रुपया देंगे स्वास्थ्य बीमा है वो दे जानो है, और इन योजना आने आ रहा सभी कोई भी हॉस्पिटल है बैंक मैंने आप जा सका हाँ और इलाज है जी को करवा सका हाँ, और बैंक मैंने 5 लाख जो इलाज है वो 1 साल तक फ्री है वो करवा भी सका हाँ, और अगले वर्ष फिर 5 लाख रुपया वो अपन है जी को प्रीमियम इलाज वो फ्री मिल जाएगा, कहना मतलब 1 साल में अपन 5 लाख रुपया तेंगे इलाज है जी को फ्री एम आने मिल जाएगा, और एंगो जो समस्त खर्चों है वो राज्य सरकार है वो वहन करे हो कई प्रकार को अस्पताल में अपन भुगतान है वो कोई नहीं करना पड़े हो। कुछ जी का हॉस्पिटल है वह एंग मैंने आवे को नहीं आने वो कारण है कि उसके बंग कोई रजिस्ट्रेशन में हुए या कुछ भी प्रकार की मतलब अंदरूनी बंग डॉक्यूमेंटली पूरा को नहीं है हॉस्पिटल पूरा को नहीं है वह कह का एक वीडियो वायरल चल रही कोटा के अंदर के ए हॉस्पिटल आ रहा है जिका मैंने कौन कर लिया, तो पहली आ जानकारी लेनी है कि वो जी को हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हैं हाँ वो
आज की सुविधा मिलनी है बैंक अंतर्गत आवे कोनी, क्योंकि प्रत्येक हॉस्पिटल की देड़ी जरूर है लेकिन कई डॉक्यूमेंट के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कमी है वो खामिया जो लास्ट में आपने भुगतना है जिसको पढ़ सके हैं। सामान्य बीमारी खातर है 50,000 रुपया और गंभीर बीमारी है बैंगा 4,50,000 रुपया तक को प्रति परिवार है, वो एक परिवार ने, एक व्यक्ति नहीं एक परिवार ने लाभ है जिसको मिलने हैं। और एक खतरा आप प्रीमियम करा डॉक्यूमेंट है जी का कौन सा चाहिए बंग यदि बात कर लिया तो आधार कार्ड भी अंदर चाहिए हो, जन आधार कार्ड संख्या जन आधार या आम मान लियो जन आधार कार्ड कन्नी कैंक नहीं या जन आधार संख्या भी बैंक में चल जाओगी, जन आधार रजिस्ट्रेशन भी बैंक रसीद रसीद है यदि कैंकन आयो नहीं है तो बैंक रसीद भी मैंने चल जाइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सामाजिक आर्थिक जनगणना है बैंक मायने एंगो लाभार्थी है जिसको वो होना चाहिए है। आवेदन पत्र का 20 रुपया है वह निर्धारित है जिसका करीज गया है। प्रीमियम जमा कराने खातर है जिसका 10 रुपया निर्धारित करीज गया है। और पॉलिसी को प्रिंट है प्रिंट रेट को सामान्य रूप में 10 रुपया या 20 रुपया है कई की जगह लेवे है। और प्री प्रिंटेड कागज है जिसका 20 रुपया निर्धारित करीज गया है। सादे कागज का 10 रुपया मायने निर्धारित है वह करीज गया है। स्पेशल आज की कवरेज है जी की क्या लगी बात भी बताओगा, साथ ही साथ खराब फीडबैक देगा। चूरू जिले की अपडेट खाते यूट्यूब पर है जी का सब्सक्राइब कर लियो, सब्सक्राइब करने खाते सब्सक्राइब बटन दबाओ, साथ ही साथ बेल भी दबा लियो। और थारा फीडबैक है थारा मन में की विचार है वह विचार खातर कमेंट बॉक्स है जो हमेशा अपनों खुलो है तो बटे थारा विचार भी बताना है। आज की कवरेज क्या लगी बात जरूर बतानी है, वीडियो ने शेयर भी करना है ताकि आम जनता ही आप सीधे आप पूछ के। और मेरे तो इतने मायने कहना है जरूर रजिस्ट्रेशन करवाओ ताकि अपन लाभ है जी को मिल सके। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।